जो आदमी सो रहा है मास्टर उसको जगाएगा और बोलेगा चल। तो एक मैसेज मास्टर देता है चलने का, मूव मूव, डोंट स्लीप, मूव। एक मैसेज, अलग अलग ढंग से ये मैसेज दिया जाता है कि उठ चल चल चल। फिर दूसरी तरह के लोग हैं, दो ही तरह के लोग हैं पृथ्वी पे, एक जो सो रहे हैं उनको जगा के चलाते हैं मास्टर, दूसरे जो भागे जा रहे हैं, किसी ना किसी चीज के पीछे भागे जा रहे हैं, मान सम्मान एम्बिशन मनी कुछ भी, उनको मास्टर मैसेज देते हैं थम जा, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे। बड़ा सुंदर गाना इंडियन ओशन का। उनको मैसेज देता मास्टर रुक जा, ठहर जा, कम टू योर बीइंग, डू नॉट बिकम डूइंग। कितना करेगा, रुक जा। कॉन्ट्रडिक्शन, अब आया भयंकर कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये आदमी या कोई भी मास्टर दो ही तो मैसेज देता है, एक को मैसेज देता है चल उठ भाग, दूसरे को मैसेज देता है बहुत भाग रहा है रुक थम। बट जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं तो ये दोनों बातें हमें साथ में सुनाई देती है कि एक जगह बोल रहे हैं कि चल उठ भाग, दूसरी जगह बोल रहे हैं रुक जा थम जा ठहर जा। कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आदमी तो क्लियर ही नहीं है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, ये तो भटका देगा हमको। कभी बोलता है भाग, कभी बोलता है रुक, कभी बोलता है चल, कभी बोलता है थम, व्हाट्स गोइंग ऑन। हेंस इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू बी अ मास्टर, गुरु को काम मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से वो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अवस्था से वो बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हियर इज द पॉइंट, गौर फरमाइए दोबारा व्हाट आई एम सेइंग, हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से वो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अवस्था से नहीं। फर्क है बुद्धि में और अवस्था में, बुद्धि सब चीज को पकड़ के समझना चाह रही है, संभव ही नहीं। हाँ, तुम अपनी अवस्था पे स्थित हो गए, अवस्था क्या, जब तुम स्थित हो गए अपनी अवस्था में कि मेरी अवस्था सोने की है, तो तुम वो मैसेज क्लियरली सुन पाओगे कि ये मैसेज मुझे दिया जा रहा है कि चल उठ भाग, और तुम क्लियर हो गए कि तुम्हारी अवस्था है कि तुम भागे जा रहे हो जीवन में, तो वो मैसेज तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हें मैसेज दिया जा रहा है रुक थम ठहर देख सांस ले, बी इन द मोमेंट हियर एंड नाउ। डू यू फॉलो? तो जब तुम अपनी अवस्था से सुनोगे तो तुम्हें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं सुनाई देगा, बट जब तुम अपनी बुद्धि से सुनोगे तुम्हें भयंकर कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देगा। डज दैट मेक सेंस? सो एनीबडी हूज अवेक, जो जाग गया उसके भीतर कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो गए। ये जागने की परिभाषा है, क्या मतलब जागने का, बुद्धत्व का क्या मतलब, बुद्धत्व का मतलब कि तुम्हारे भीतर सारी डुअलिटीज खत्म हो गए, तुम्हारे भीतर सारे कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म हो गए, तुम्हारे भीतर एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट अलाइनमेंट आ गया। सो अगर तुम्हारे भीतर वो परफेक्ट अलाइनमेंट आ गया, कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म हो गए, डुअलिटीज तिरोहित हो गई, तो तुम्हारी बात में कैसे डुअलिटी आ सकती है, इट इज इम्पॉसिबल। तुम्हारे मैसेज में कैसे डुअलिटी आ सकती है, इट इज इम्पॉसिबल। बट हमें सुनाई दे रही है क्योंकि हम बुद्धि से सुन रहे हैं, बुद्धि से पकड़ रहे हैं, इम्पॉसिबल।